अस्सलाम वालेकुम, क्लास दहम। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सब बच्चों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो जमात का काम नंबर 3 और आयत नंबर हम 4 करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आयत की तिलावत करूँगा, तो सब बच्चों ने अच्छे तरीके से आयत की तिलावत को सुनना है और इस तरह पढ़ने की कोशिश करनी है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم। ये आयत नंबर हमने 4 की तिलावत की है, तो अब हम इसका लफ्जी तर्जमा करेंगे। तो सब बच्चों ने लफ्ज़ी तर्जमा गौर से सुनना है और फिर इसको नीट एंड क्लीन लिखना है और फिर मुझे सेंड कर देना है। उदउहुम, उनको पुकारा करो, यानी जो ले पालक है, जो मुंह बोले बेटे हैं, उनको पुकारा करो। ली आबाइहिम, उनके बापों के नाम से हुआ वो, यानी यही अक्सतु दुरुस्त बात है, इंदल्लाहि खुदा के नज़दीक। फ़इन, बस अगर, लम तालमू, तुम नहीं जानते हो, आबाअहुम, उनके बापों का नाम, फ़इख्वानुकुम, वो तुम्हारे भाई, फिद दीनी, दीन में, व मवालीकुम, और दोस्त हैं, वलैसा, और नहीं है, अलैकुम, तुम पर, जुनाहुन, कुछ गुनाह, फीमा, उसमें, जो, अख्तातुम, तुमसे गलती से हो गई हो, भी इससे, वलाकिन, लेकिन, मा तअम्मदत, जो कसदे दिली से करो, यानी कुलूबुकुम, तुम दिल के इरादे से करो, वकान अल्लाहु, और खुदा है, गफूरन, बख्शने वाला, रहीमन, मेहरबान है। तो ये लफ्ज़ी तर्जमा है। उसके बाद मैं आपको बामुहावरा तर्जमा भी, आपने भी बामुहावरा तर्जमा याद करना है और लफ्ज़ी तर्जमा भी याद करना है। उदउहुम लिआबाइहिम हुवा अक्सतु इंदल्लाह, मोमिनो, ले पालकों को, यानी मुँह बोले बेटों को, उनके असल बापों के नाम से पुकारा करो। हुवा अक्सतु इंदल्लाह, यही दुरुस्त बात है, खुदा के नज़दीक यही दुरुस्त बात है। फ़इल्लम तालमू आबाअहुम, अगर तुमको उनके बापों के नाम मालूम ना हो, फ़इख्वानुकुम फिद्दीनी व मवालीकुम, तो दीन में तुम्हारे भाई और दोस्त हैं। वलैसा अलैकुम जुनाहुन फीमा अख्तअतुम बिही, और जो बात तुमसे गलती से हो गई हो, इस पर कुछ गुनाह नहीं। वलाकिन मा तअम्मदत कुलूबुकुम, लेकिन जो कसदे दिली से करो, उस पर मुवाखजा होगा, उस पर अल्लाह ताला तुमसे पूछेंगे। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। ये वही बात जो पीछे हमने पढ़ी थी कल, कि इसमें अल्लाह तबारक वाला फरमा रहे हैं कि जो मुंह बोले बेटे हैं, उनको, जो उनके असल बाप हैं, उनके नाम से ही पुकारना है। अगर तुम्हें किसी वजह से उनके बापों के नाम मालूम नहीं हैं, तो वो तुम्हारे भाई और दोस्त हैं, तुम्हारे हकीकी बेटे नहीं हो सकते। लेकिन जो तुम इससे पहले कर चुके हो कोई गुनाह, तो अल्लाह ताला फरमा रही हैं, इस पर कोई, तुम्हारे ऊपर कोई मुआवजा नहीं है, कोई उस पर कोई सज़ा नहीं है। लेकिन जो तुम दिल के इरादे के साथ करोगे, उसमें अल्लाह ताला तुमसे इसके बारे में पूछेंगे, और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहो, खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। तो ये 10 क्लास, ये सब बच्चों ने अच्छे तरीके से ये आयत
4 जो है वो लिखनी भी है और याद भी करनी है और मुझे सेंड करनी है। अल्लाह हाफिज़।